हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिसिंग नंबरों से क्वेश्चन देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने लगभग 14 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन इनसे बनते हैं, नंबरों से, 3-4 फॉर्म में, नंबर सीरीज से या फिर वर्ग के रूप में या विषम संख्या बताना, है ना, या फिर हिडन मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना। तो इस प्रकार 3-4 फॉर्म में आपके क्वेश्चन बनते हैं और 15 क्वेश्चन के आसपास ये पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपने इनकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो, अन्यथा आप इसमें तर्क लगाना आपको मतलब कठिन हो सकता है अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो है नंबर तभी आप गेन कर सकते हैं जब आप अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे। तो उसी का प्रयास हम कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में बैठकर। तो एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको खुद से सोल्व करना है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल के आइकन को दबा देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला 61, 52, 63, 54 और आगे है क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। तो मैंने, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, खुद से आपकी ट्रिक लगानी है और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 18। आंसर हो जाएगा इसका 18। 18 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 61, फिर उसके बाद 52, फिर 63। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर जो किया गया है इसमें देखिए, 61 को उल्टा आप लिखेंगे तो क्या आएगा 16, और 52 का उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा 25, 63 का उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा 36। तो आप समझ रहे हैं कि 16, 25, 36 यानी 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 8 का, तो अब यहाँ पर काय का वर्ग आएगा 9 का, यानी 81। लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा। 81 को उल्टा कैसे लिखा जाएगा, 18। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो समझ में आया होगा आपको ये। चलिए आगे देखते हैं, 580, 265, 373, क्वेश्चन मार्क, यानी आपको बताना है इसमें क्या आने वाला है। देखिए, तर्क जो है आपका तर्क अलग हो सकता है, लेकिन आपका तर्क सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको ये थोड़े मतलब स्टैंडर्ड लेवल के आप मॉडल क्वेश्चन मान सकते हैं, कि मतलब इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी ठीक ठाक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि 580 लिखा हुआ है यहाँ पर, इन सब अंकों का योग किया गया है। तो 5 और 8 13 और 0 13, यानी इनका योग करके क्या आया 13, यहाँ पर आया 13। फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 2 6 5, तो 2 6 8 और 8 5 13, यहाँ पर भी 13 है। यहाँ पर देखिए 7 3 और 7 10 और 3 13, यहाँ पर भी 13 है, यानी इनके अंकों का योग 13 होना चाहिए। और ऑप्शन में ऐसा बी ही है केवल, जिनके अंकों का योग क्या है 13 है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी बी। चलिए आगे देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर 13 10 क्वेश्चन मार्क, 100, फिर 1003, फिर 10003। तो इस प्रकार से आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए यहाँ पर डबल सीरीज बनाई गई है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 100 है, फिर उसके बाद, सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पर आपको 1000 और लिख लेना है, यानी इन संख्या के बीच में यहाँ पर 1000 और लिख लेना है, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर 1000 और लिख लेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 1000 और लिखा जाएगा बीच में। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 103, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 है, फिर उसके बाद 100 आया, फिर 1000। तो इसमें क्या किया गया है, हर संख्या में जो डबल सीरीज बन रही है नंबरों की, उसमें उसके बीच में एक जीरो को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर 10 था, एक जीरो बढ़ाकर कितना हो गया 100 हो गया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 1000 हो गया। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 13 है तो एक जीरो बढ़ाऊँगा तो कितना आएगा 13 के बीच में,
बीच में बढ़ाया गया है ना जीरो, तो यहाँ पर आएगा 103 है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दो जीरो बढ़ गए, यहाँ पर तीन बढ़ गए, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 103। चलिए आगे यहाँ पर 7, 20, 59, 61, 577, 527 क्वेश्चन मार्क इसमें आपको बताना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, जल्दी से इसमें बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। आंसर देखिए इसका हो जाएगा 1580, 1580 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, 7 की गुणा की गई है, देखिए 7 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 13 का, ठीक है। फिर उसके बाद 13 और 59 के बीच में कितने का अंतर है, 39, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे आप 59 और 176 के बीच में 117 का अंतर है, 117 का। फिर उसके बाद 351 का अंतर है, यहाँ पर 176 और 527 के बीच में 351 का। अब देखिए यहाँ पर डबल सीरीज बन रही है, यानी अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, 13 गुणा 3 13 गुणा 3 13 से 39, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा इस वाली जो अंतरों की सीरीज है उसमें 3 से गुणा हो रही है। यहाँ पर 13 का अंतर था आगे 39 का, यानी 13 गुणा 3 39, फिर 39 गुणा 3 117, फिर 117 गुणा 3 351, यानी अंतरों में इनके 3 से गुणा हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 1053, यानी 351 के 3 से गुणा करेंगे तो 1053, और 1053 जब आप 527 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1580, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी इजी है, काफ़ी इजी है। 3.5, 7, 10.5, 14 इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, 17.5। देखिए क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, अगली वाली संख्या में 3.5 को ऐड कर दिया गया है, 3.5 ऐड कर दिया गया है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा 17.5। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर लिखा हुआ है 21:3 तो समानुपात 574:1 क्या, तो इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 3 है उस प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 82, यानी 82 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या तर्क लगाया गया है कि 3 सत्ते 21 होते हैं ना, यहाँ पर 3 सत्ते 21 मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, 3 सत्ते 21, तो हमेशा तर्क जो है छोटे से बड़े की ओर लगाइए। तो 3 सत्ते 21 यानी 7 बार गुणा की गई है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 7 से गुणा करके हमारा ये वाला आंसर मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 7 से जो भाग करके देख लेना, यहाँ से हम 7 से भाग करके देख लेंगे, और 7 से भाग करने पर क्या मिल जाएगा मुझे, 82, यानी 82 को आप जब 7 से गुणा करके देखेंगे, 82 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा ये वाला, तो इसलिए आंसर हो गया हमारा 82। नेक्स्ट है 6:10, 9:9 क्या, तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो है 15 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 6 और 10 यानी 2 गुणा 3 बराबर 6, फिर 2 गुणा 5 बराबर 10, यानी कि हमारा जो पेयर बन रहा है एक तो 2 गुणा 3 का, फिर 2 गुणा 5 का, तो उसी प्रकार यहाँ पर 3 गुणा 3 = 9, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3 गुणा 5, क्योंकि एक बार 3 से गुणा एक बार 5 से करनी पड़ेगी, तो इसलिए 15 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3:11, 7:7 क्वेश्चन मार्क, इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51, यानी सी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इस वाली संख्या 3 से 11 कैसे बना, 3 + 9 + 2 यानी वर्ग करके 2 ऐड कर दिया है, तो इसी प्रकार 7 का वर्ग 49 + 2 = 51। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 6:18, 4 आगे क्या रहेगा, तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और चलिए देखिए इसका आंसर क्या रहेगा कि ये वाली जो संख्या है इससे 18 कैसे बना, इसका वर्ग करके 2 से भाग करना, यानी कि 6 × 36 और 36 को जब आप 2 से भाग करेंगे क्या बचेगा, 18। उसी प्रकार 4 × 16 और 16 को 2 से भाग करेंगे क्या बचेगा,
8। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 7.24 समानुपात आगे क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से ये वाला संख्या बन रही है उसी प्रकार से आपको बतानी है कि आगे इस तरह से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी कैसे, देखिए 7 से 24 कैसे बना, 7 से 24 बना आपका 7 या 21 प्लस के 3 यानी 24। तो उसी प्रकार जब आप यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन में 23 या 69 होते हैं यानी 69 होते हैं, और प्लस के जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा 72 यानी 23 72 आपका सही रहेगा। आगे इसमें बताना है आपको विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या बतानी है आपको यहाँ पर। तो विषम संख्या आपकी हो जाएगी इसमें, देखिए आप थोड़ा सा तर्क लगा करके बताइएगा आपको यहाँ पर विषम संख्या। ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 64 वर्ग है और 36 भी वर्ग है और बाकी वर्ग नहीं है, लेकिन आंसर ये नहीं रहेगा इसका, क्योंकि ये लॉजिक नहीं है, ये तर्क नहीं है। इसका तर्क ये है कि इसका आंसर जो है आपका वो है बी। लॉजिक ये रहेगा आपका, देखिए 64 और 36 को ऐड करेंगे 100, 57 और 47 को ऐड करेंगे 100, 39 61 को ऐड करेंगे 100, यानी 3 ऐसी संख्या है जिनका योग 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका योग 110 बैठेगा, यहाँ पर 100 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक रहेगा, न कि ये वाला आंसर रहेगा इसका बी। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताना है आपको कि इसमें विषम संख्या कौन सी है, 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए विषम संख्या आपकी हो जाएगी ये वाली, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। कैसे हो जाएगा, सबकी गुणा इससे 12 से 144 कैसे बना, 12 से 12 की गुणा करके 144, फिर 13 से 156 कैसे बना, 13 की 12 से गुणा करके। कहने का मतलब यह है कि इस संख्या की 12 से गुणा हो रही है इनकी और अगली संख्या बन रही है, इस प्रकार से यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जब आप 16 से गुणा करेंगे तो 176 नहीं आएगा, ये आपका सॉरी 16 की गुणा 12 से करनी थी जबकि यहाँ पर 12 से गुणा नहीं की गई है, इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। चलिए 2 क्वेश्चन और है ये लास्ट में, आपको इनमें बताना है क्या आंसर रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ है देखिए, यहाँ पर हमें ये वाली संख्या बनानी है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को ऐड करके यानी ऊपर की 3 संख्याओं को ऐड करके, 3 संख्याओं को ऐड करके फिर उसकी डबल की गई है, फिर उसमें 2 ऐड किया गया है। कैसे, 3 और 4 7, फिर 5 12, तो 12 दुनी 24 यानी गुणा 2 से कर दी गई है और फिर 2 ऐड कर दिया गया है, यानी इन संख्याओं का योग गुणा 2 प्लस के 2, इस प्रकार से आपका 26 आ गया। और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 11, 11 7 18 और 18 दुनी कितने होते हैं 36, और उसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा तो 38। सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है, यानी 7 और 8 15 और 9 24 और 24 दुनी 48 और 2 और ऐड करना पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 50, आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, 8 इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें क्या किया गया है देखिए, इसमें ये भी सिंपल है कि इन सब का ऐड किया गया है, सबका ऐड कीजिए आप, बराबर ऐड बैठेगा यहाँ पर, यानी 6 5 11, 11 7 18 और 3 21, तो यहाँ पर 21, सेम यहाँ पर भी 21 बैठेगा, 4 और 5 9 और 9 6 15 और 6 21, 21 जब यहाँ पर बैठ रहा तो यहाँ पर भी 21 ही बैठना चाहिए, तो 21 यानी 7 और 3 10 और 3 13 और 8 21, इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंसर सी। तो फ्रेंड्स ये 14 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने सही रहे ये भी आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।